अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलका वसहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वला अलका वसहाबिका या नूर अल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है क्या नाम है प्रोग्राम का क्या नाम है प्रोग्राम का हसनैन भाई माइक तो देखा जी क्या नाम है प्रोग्राम का हमारा इस्लाम दोबारा क्या नाम है प्रोग्राम का हमारा इस्लाम हसनैन भाई प्रोग्राम का नाम ये बता रहे हैं हमारा इस्लाम सही बता रहे ना जी हाँ प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम जी प्यारे बच्चों आप सबको मालूम है कि इस प्यारे से प्रोग्राम में क्या क्या होता है जी। तो कौन बता रहा है क्या होता है चले माइक दें इन्हें माइक दें वहां पे माइक दें उन्हें माइक दें नहीं नहीं उन्हें उन्हें एक्टिविटी होती है एक्टिविटी होती है जी और कोई कलाम होता है कलाम भी होता है अच्छा आए दुरूद पाक पढ़ते हैं अच्छा और तलावत हम्म और वो कौन है वो क्या है एक्टिविटी में तो वो भी आ गया ना एक्टिविटी तलावत और कलाम और आए दुरूद चलो अब ये कौन बताएगा कि एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं जो न्यू बच्चे वो अगर बताएं तो आप बताएंगे नहीं आप बताएंगे नहीं कोई भी नहीं बताएगा चलो आप बताए Find the missing letter. वो activity time. वो कौन है वो क्या है Box activity. अच्छा और calls भी होती हैं. Calls भी होती हैं. जी देख लें. जी होती हैं. जी चलिए प्यारे बच्चों calls भी होती हैं लेकिन calls के लिए सवाल आपको तिलावत कुरान पाक के बाद बताते हैं कि आज का सवाल या ऐसे करेंगे दुरूद पाक के बाद बता देंगे ठीक है जी ठीक है आज का सवाल क्या है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं हमारा इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Subhan Allah sallu ala al habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah pak ke aakhir nabi मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी प्यारे बच्चों आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए सवाल है ईद उल अज़हा की नमाज में कितनी रकअतें हैं ईद उल अज़हा की नमाज में कितनी रकअतें हैं कोई हमें आज अच्छी बातें बताएगा चले आप में से कोई हमारा इस्लाम करके दिखाए प्रोग्राम स्टार्ट जिस तरह करते हैं
आप करके दिखाएंगे। चल आ जा इधर से, इधर आ जा, माइक लेकर आ जा, माइक लेकर, जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैहि सय्यिदना सय्यिदना अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे बच्चों प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। जी प्यारे बच्चों प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी हम इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर आ गए जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी और बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। माइक माइक तिलावत तिलावत कुरान पाक। जी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज़ में आपने तिलावत कुरान पाक सुनाई। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। क्या नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله منور میری آنکھوں کو شمسوں دہا کر دے نور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دہا کر دے نور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دہا کر دے
शमसों दुआ कर दे गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे कर दे भरी जन्नत विवाह कर दे जगह पानी अता कर दे भरी जन्नत विवाह कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे नौवर मेरी आँखों को मेरे शमसों दुआ कर दे गमों की धूप में वो साया है जुल्फे दुता कर दे जहाँ में उनकी चलती है वो दम में से क्या कर दे जगह में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे जमीन को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे जमीन को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नौवर मेरी आँखों को मेरे शमसों दुआ कर दे गमों की धूप में वो साया है जुल्फे दुता कर दे मुझे क्या फिक्र वो अख्तर मेरे आवे वो आवे मुझे क्या फिक्र वो अख्तर मेरे आवे वो आवे भलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे भलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे नौवर मेरी आँखों को मेरे शमसों दुहा कर दे नौवर मेरी आँखों को मेरे शमसों दुहा कर दे गमों की धूप में वो साया है जुल्फे दुता कर दे गमों की धूप में वो साया है जुल्फे दुता कर दे नौवर मेरी आँखों को मेरे शमसों दुआ कर दे माशाल्लाह मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखरी नबी अहमद मुज्तबा सबसे आखरी नबी आमीना का लाडला सबसे आखरी नबी शाख हर दूसरा सबसे आखरी नबी ताजीदार अंबिया सबसे आखरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखरी नबी है शफी उल वरा सबसे आखरी नबी आसियों का आसरा सबसे आखरी नबी एतिकाद फातिमा सबसे आखरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखरी नबी अकीदा गौसे पाक का सबसे आखरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखरी नबी है अकीदा ए रजा सबसे आखरी नबी नारा है अत्तार का सबसे आखरी नबी सबसे आखरी नबी माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान भाई को हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान भी आए हैं
कि मेहमान आए। कहाँ से आए, कौन है मेहमान? पंजाब से मेहमान आए जो जी। ऐसे तो सारे मेहमान हैं लेकिन आज जी माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ रहमान अतारी। माशाल्लाह, आप पंजाब से हैं आप? जी पंजाब से, चकवाल से। जी चकवाल? चकवाल से हैं माशाल्लाह। यानी आप मदनी चैनल देखते हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आप कॉल तो नहीं करते चले? और कोई भी आया आपके साथ? नहीं, आप ही हैं सिर्फ? जी जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आप वहाँ पे भी बताएंगे ना कि किड्स मदनी चैनल भी देखना है, मदनी चैनल भी देखना है? जी जी। माशाल्लाह, तो आप मदनी मुज़ाकरा वगैरह देखते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शिरकत भी करते हैं यहाँ पे? शिरकत करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब शिरकत की थी? लास्ट टाइम इस हफ्ते में शिरकत। अच्छा, इस हफ्ते में ही की थी? जी जी। अच्छा, यानी और जहन है शिरकत करने का? जी जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, हज का महीना शुरू होने वाला है। हज का महीना शुरू होने वाला है। ज़ुलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है। चले प्यारे बच्चों, अब किस सेगमेंट को शामिल किया जाए? आसान सवालात। आसान सवालात जी। सारे आसान सवालात कह रहे हैं जी। की बात है, चले प्यारे बच्चों आसान सा सेगमेंट कर लेते हैं जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। भाई सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना। जी हाँ, आसान सवालात। तो टीम ऐसे पहला सवाल कर ले, क्या कहते हैं? चले आपसे पहला सवाल करते हैं, ठीक है? चले माइक देना। इमाम शरीफ की इब्तिदा किस नबी अलैहिस्सलाम से हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, भले बैठ के जवाब दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चले मशवरा कर लें, मशवरा कर लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वही बात है, देख लें ऐसा ना, वो भी गलत कह रहे हो। नहीं कह रहे गलत, वही बात है। चले ना माइक दें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप कह रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई कह रहा है? कोई नहीं कह रहा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कह रहा है? नहीं कह रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कोई कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? हाथ तो खड़ा करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, इमाम शरीफ की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने हजरत आदम अलैहि सलाम कहा। इन सब का जवाब दुरुस्त है, लेकिन इमाम शरीफ बांध कर पहनना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। माशाल्लाह। टीम भी आप सवाल कर लो, कर लो, देख लें की बात है, देख लें। चले माइक देना। हदीस पाक के मुताबिक जुमे की नमाज किन का हज है? अमीरों का, गरीबों का या दोनों का हज है? गरीबों का। गरीबों का, पक्की बात है, देख लें। चले इन्हें माइक दें। गरीबों का। गरीबों का, उन्हें भी माइक दें। गरीबों का। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक के मुताबिक जुमे की नमाज गरीबों का हज है। इनका जवाब दुरुस्त है। चले अभी पहले कॉल ले लें, आपसे सवाल कर लें। चले कॉल प्ले कर लेते हैं जी। मेरा नाम स्नेहा अभी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे आसान भाई, आपके सवाल का जवाब है, दो रकातें होती हैं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकअल्लाह खैरा। आमीन, जज़ाकअल्लाह खैरा। दो रकातें होती हैं। चल देखते हैं लास्ट में बताएंगे आपको कितनी रकातें होती हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम यशपाल अहमद है, मैं जेड़ा वाला से बात कर रही हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। अच्छा, मैं आपको तस्बीह सुनाऊंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जज़ाकअल्लाहु खैरा। आमीन। हसन भाई, अगर आप सुना दें जी माइक दे, सारे मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما
माशाल्लाह पढ़े ना लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें ये लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए हरम काबा में। आमीन। हम मक्के में तवाफ कर रहे हो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ रहे हो, सफा मरवा की सही कर रहे हो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ रहे हो, हज का महीना हो, मीना में हो, अरफात में हो, मुज़दलिफा में हो और लबैक अल्लाहुम्मा लबैक हम पढ़ रहे हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक की दुआ कबूल फरमाए। आमीन। टीम ए चले आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफ़ा, हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफ़ा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफ़ा। ये कलाम किन बुजुर्ग का है? अमीर-ए-सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला या मौलाना हसन रज़ा खान? अमीर-ए-सुन्नत। पक्की बात है, देख लें। चले इन्हें माइक दें। अमीर-ए-सुन्नत। चले इन्हें माइक दें। अमीर अहले सुन्नत। असल में पक्की बात है? जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। कलाम के आप एक दो शार सुना दें। चलें ये यही शेर सुना दें, हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफा, सुना दें ये। हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखाया रब मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर अता या रब मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखाया रब मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। टीम बी सवाल कर लूं आपसे? चले सवाल करता हूं आपसे। उस जात का नाम बताएं जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह। अल्लाह पक्की बात है? प्यारे बच्चे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बच्चे बच्चे को पता होता है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम है दोबारा आपकी तरफ, आपसे सवाल करना है। चले माइक देना। उस मुबारक रात का नाम बताएं जिसके नाम पर कुरान पाक की एक सूरत भी है, शबे कदर, शबे बरात या शबे मेराज? शबे कदर। शबे कदर पक्की बात है? देख लें। चले इन्हें माइक दे। शबे कदर। शबे कदर इन्हें माइक दे। शबे कदर पक्की बात है? अभी यही कह रहे हैं। देखिए तीन ऑप्शंस हैं, शबे कदर, शबे बरात या शबे मेराज। शबे कदर पक्की बात है? देख लें, इन्हें भी माइक दे। चले शबे कदर। शबे कदर और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी सवाल है आपसे, ठीक है। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करने वाले शख्स को क्या कहते हैं? शुक्र गुजार या इबादत गुजार या खिदमत गुजार? माइक में, माइक में, माइक में। शुक्र गुजार। शुक्र गुजार पक्की बात है? डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे, सही तो कह रहे हैं आप। चले इन्हें भी माइक दें। शुक्र गुजार। शुक्र गुजार पक्की बात है? देख लें। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। माशाल्लाह आपका और आपका दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। टीम ए चले आपसे करते सवाल। हदीस पाक में कुरान पाक सीखने और सिखाने वाले शख्स को क्या कहा गया है? बेहतरीन आदमी, नेक आदमी या फरमाबरदार आदमी? बेहतरीन आदमी। बेहतरीन आदमी देख लें।
चलो इन्हें माइक दे। बेहतरीन आदमी चलो इन्हें माइक दे। जी जी बता। बेहतरीन आदमी चलो इन्हें भी माइक दे। बेहतरीन आदमी। जी हाँ प्यारे बच्चों इनका जवाब दुरुस्त है। एक बार सुभान अल्लाह तो कह दें। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। टीम भी आपसे सवाल कर लूं देख लें, आपने चुप क्यों बैठे? चलो माइक देना। जिन्नात के अलावा अल्लाह पाक की और कौन सी मखलूक नजर नहीं आती? फरिश्ते, इंसान या जानवर? फरिश्ते। फरिश्ते पक्की बात है? जी हाँ प्यारे बच्चों इनका जवाब दुरुस्त है। आज तो बड़े ही आसान सवाल नहीं हो गए? क्योंकि सेगमेंट का नाम भी तो आसान सवाल था ना, तो आसान तो होंगे ना जी। चले आप किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ से आवाज आ रही है, एक्टिविटी टाइम, यहाँ से आवाज आती है। चले कॉल ले लेते हैं, ठीक है? कॉल पे लेकर। मेरा नाम तारिया है। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगी। हम सुन सकता नाम मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी शहर चिन्योट से। याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए हम रह गए। लेकिन ये हकीकत है, मदीने खुद से नहीं जाया जाता, मदीने बुलाया जाता है। क्योंकि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कॉल की माशाल्लाह। कभी आप आए किड्स मदनी चैनल में, हमारे प्रोग्राम में आए, आप आपको इनवाइट करते हैं हम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका माशाल्लाह। जी और कॉल रेडी हैं तो अगर आप चला दें। चले प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो आखिर है कौन, वो क्या है, वो क्या है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी टीम में रेडी है? टीम भी रेडी नहीं है मेरे ख्याल से। रेडी है जी। चले जी तो इतना तेज आया, देखते हैं अब जी जी रहता है या नहीं। ठीक है टीम एक को पिक्चर्स दिखा। ऊंट, घोड़ा, तो भैंस आ गई, एक गाय भी आ गई, बैल। सवाल है पुराने जमाने में लोग किस जानवर पर सवार होकर हज का सफर किया करते थे? नहीं टीम ऐसे सवाल है, चले बताए। ऊंट। ऊंट अच्छा इन्हें माइक दे। ऊंट। ऊंट देख ले। चले ऊंट है। ऊंट है कहाँ है? ऊंट आप कह रहे ऊंट है कहाँ है? ऊंट कहाँ है, कहाँ है? यानी ऊंट पर सवारी क्या करते थे ना? सारे ऊंट कह रहे हैं। चलो देखते हैं स्क्रीन क्या कहती है। जी हाँ ऊंट और इनका जवाब दुरुस्त है। टीम है अब आपने गलती नहीं करनी, ठीक है ना? क्योंकि टीम बी ने तो गलती करके आपको बता दिया था ना, ठीक है? नहीं गलती नहीं करेंगे आप। अच्छा चले माइक दी। ओ माइक क्या पिक्चर्स दिखाएं। ये क्या पेट्रोल आ गया? अच्छा आग आ गई। तेल, एक क्या कोयला है? जी हाँ कोयला है, पत्थर नहीं है। ब्लैक पत्थर इतने कहाँ होते हैं, कोयला होता है ब्लैक तो। सवाल है कौन सी चीज अपने अंदर आने वाली हर चीज को जला देती है? वो बड़ी नहीं, वो बड़ी खतरनाक चीज है जी। आग। आग इन्हें माइक दे। आग। आग अल्लाह महफूज और मैं आग से। माइक दे। माइक इनके। आग। आंख। आग। आंख। आग। आग चले देखते हैं। आग और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चले टीम ए को पिक्चर्स दिखाएं। मस्जिद हराम, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ,
बगदाद शरीफ। सवाल है, हज अदा करने के लिए मुसलमान किस शहर जाते हैं? बड़ा ही आसान सवाल है, सारे मिलकर जवाब देते हैं, मक्का शरीफ। स्क्रीन, जी हाँ, मक्का शरीफ। और इन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले टीम बी को पिक्चर्स दिखाएं। हाथी, बंदर, तोता, कैंगरू, नहीं डोंकी नहीं है, डोंकी इस तरह का होता है, ये तो कैंगरू था ना। सवाल है, उस जानवर का नाम बताया जो हर किसी की नकल उतार लेता है, हर किसी की नकल उतार लेता है। चले, बंदर। बंदर, माइक देना। बंदर। बंदर, अच्छा, इन्हें भी माइक दे। बंदर। बंदर, आप क्या कहते हैं? बंदर। बंदर, चले देखते हैं स्क्रीन क्या कहती है। जी हाँ, बंदर। इनका जवाब हाँ, बंदर सबकी नकले उतार लेता है। बंदर सबकी नकले उतार लेता है। टीम है बराबर है, टीम भी बराबर है। कोई अच्छी बातें बता दें आप लोग। चले आपसे दुआएं सुन लें, अगर मैं कहूँ नहीं सुन रहे, नहीं ना, अच्छी बातें बताएं, कोई अच्छी बातें, कोई भी बता दे अच्छी बातें। चले, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, किसी की दिल आजारी नहीं करनी। मेरी वैसे किसी की दिल आजारी तो नहीं हुई ना, अच्छी बात है ना। जी, और कोई? जी, हमें सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सुबह शाम क्या, हर घड़ी दुरूद पाक पढ़ता रहना चाहिए। हसनैन भाई क्या कहते हैं आप? जी हाँ, माशाल्लाह। जी, और कोई? माइक। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, माशाल्लाह। जी, और कोई? इन्हें माइक। किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी की पीठ पीछे बुराई यानी गीबत भी नहीं करनी चाहिए, माशाल्लाह। और किसी के नाम भी नहीं चाहिए। किसी का नाम कुछ और हो और आप कुछ और कह दें। अभी स्क्रीन में कैंगरू को, नहीं कैंगरू को क्या कहा था? डोंकी। डोंकी कहते ना, वो तो कैंगरू था। जी, ने माइक दे। खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, माशाल्लाह, बिल्कुल। खाने को पूरा करना चाहिए, इतना ही खाना रहना चाहिए जितना पूरा कर सके। और कोई? और कोई? इस तरह तो भी टीम बी जीत जाएगी या टीम ए जीतेगी? टीम ए जीतेगी, यानी टीम में टीम बी आपको जीत दे रही है। चले बताएं, आप अच्छी बात बता रहे थे, आप अच्छी बात बता रहे थे ना। अच्छा, टीम ए जीतेगी। चले, पानी ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बता रहे हैं। चले बताएं, वुज़ू करते वक्त पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बकरों को भगाना भी नहीं चाहिए, बकरों को भगाना भी नहीं चाहिए। गर्मी इतनी है, हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए खेलने कूदने के लिए। हाँ, स्कूल जाना चाहिए, मदरसे जाना चाहिए, लेकिन खेलने कूदने बाहर गर्मियों में नहीं जाना चाहिए। वैसे ही नहीं जाना चाहिए, घर में खेलने अपने बहन भाइयों के साथ। और बकरे भी भगाते हैं बच्चे तो गर्मियों के अंदर, अपनी हालत भी ख़राब हो रही होती है और बकरों की भी हालत ख़राब हो रही होती है, तो हमें बकरों पर भी रहम करना है, ठीक है ना। जी, गाय बकरों को तंग नहीं करना चाहिए। बकरों को तंग भी नहीं करना, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। जी, जानवरों को मारना भी नहीं चाहिए। हाँ, मारना भी नहीं चाहिए, कोई लकड़ी मार रहा होता है कि चलो इस तरह कोई दुम मोड़ देता है। हाँ, कोई दुम भी मोड़ देता है, नहीं हंसना नहीं है, खेके मार के नहीं हंसना चाहिए, दुम भी मोड़ देता है, वो तो बेजबान जानवर है। जी, और कोई? गाय भागती है नहीं उसकी दुम। नहीं नहीं, हंसना नहीं है, इस तरह भी तकलीफ होती है ना, अगर आप भगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो भाग रहा है उसमें तकलीफ, और फिर आप दुम उड़ा रहे हैं या उसे मार रहे हैं तो उसमें तकलीफ होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अब किस सेगमेंट को शामिल किया जाए? चले प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी टाइम। जी, आप आएंगे, चले आ जाए। आपके लिए सवाल है, ईशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? वो रहा फर्स्ट, आप कॉइन लेके डालें और अपनी जगह पे लेके खड़े हो जाएं। ईशा की नमाज में कितनी सुन्नत रकातें होती हैं? तो नहीं, मुंह से किसी ने नहीं बताना, ठीक है।
ईशा की सुन्नत रखा थे बताएंगे ये कॉइन्स ढूंढ रहे हैं पता नहीं मिलता है इनको नहीं मिलता नहीं नहीं निफल है नहीं सुन्नत है आप बताएंगे आपको नेक्स्ट में ठीक है पक्की बात है यही है ना चलिए आप जगह पे लेके खड़े हो मैं आपको बुलाता हूँ ठीक है टीम बी आपसे बुला लेते हैं आपको ठीक है आपको आना था ना जाए सवाल है ज्यादा से ज्यादा कितने गज का इमामा बांधना सुन्नत है ये कर लेंगे आप आ जाएगा चलें माइक आप बोले भाई को दे दें ज्यादा से ज्यादा कितना गज इमामा बांधना सुन्नत है बहुत आसान सवाल है ना सुनील भाई माशाल्लाह सुने जब तक हम यहाँ टीम ऐसे भी बुला लेते हैं क्या कहते हैं चले आप आ जाए सवाल है आपसे नंबरिंग के हिसाब से जुलहज्जा शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है आप आएंगे चले देखते हैं मेरे ख्याल से आप गलत कॉइन डाल रहे हैं मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आपकी क्या कहते हैं इनकी हेल्प कर देनी चाहिए ना जी देखिए सवाल है ज्यादा से ज्यादा कितने गज का इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है आपको ऑप्शन दे दूं देख लें छः या तीन आप क्या लग रहा है आपको चलें जी जल्दी जल्दी ये रहा यहाँ पे डालना है आपने दोनों का हो गया जब आप अपनी जगह पे जाए जब तक मैं किसी और से कर लेता हूँ आ जाए आप आ जाए सवाल है कितनी फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते कितनी फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते बहुत सारे क्वाइंस हैं चले देखते हैं अब जवाब किन का दुरुस्त होता है पहले आपसे सवाल हुआ था चले आप आ जाए सवाल है ईशा की नमाज में सुन्नत रकअतें कितनी है छः माइक ले माइक सवाल ये रहा जवाब ये रहा कि कह रहे हैं छः रकअतें कौन कौन कह रहा है छः रकअतें ईशा में छः रकअतें अगर मैं कहूँ गिनवाए तो गिनवा देंगे आप जी चले गिनवाए पहले चार सुन्नत होती है उसके बाद चार फर्ज होती है आपसे सुन्नत गिनवाए ना चार सुन्नत फिर चार फर्ज के बाद दो सुन्नत वापस होती है जी हाँ चार सुन्नत फिर चार फर्ज और फिर दो सुन्नत इस तरह कितनी हो गई छह रकातें आपका जवाब तो दुरुस्त हो चुका है सुभान अल्लाह चले उसी जगह पे बॉक्स रख दें जी आपको बुलाया था इनके बाद चले आ जाए ज्यादा से ज्यादा कितने गज इमामा बांधना सुन्नत है देख लें कितने डाले आपने सिक्स छह माइक दे माइक इन्हें माइक दे इधर आ जाए इधर मैंने आपको ऑप्शन दिए थे तीन या छः आपने कहा छः पक्की बात है माइक ने बताया पक्की बात है देख लें इनका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह चलें इसे अपनी जगह पे रख दें जी आ जाए आपके लिए यह सवाल है नंबरिंग के हिसाब से जुलहज्जा शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है चलें माइक इन्हें दे दीजिएगा इन्होंने 12 बारवा महीना है जी देख लें पक्की बात है जी हाँ इनका जवाब भी दुरुस्त है क्योंकि इसके बाद हमारे इस्लामी साल का जो कैलेंडर होता है वो चेंज हो जाएगा ना मुहर्रम शरीफ आएगा माशाल्लाह आपका जवाब तो दुरुस्त हो चुका है यानी टीम ए और टीम बी ने अभी तक एक गलती भी नहीं की आप रह गए चलें देखते हैं आप गलती करते हैं नहीं आ जाए कितनी फर्ज नमाजों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते कितनी माइक दे माइक माइक लेना जी माइक जी दो कौन कौन सी नमाज है कौन कौन सी नमाज में इमाम से किरात नहीं करते जुम्मा जोहर और असर जी हाँ जोहर और असर में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात नहीं करते आपका भी जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह ये आपका बॉक्स वहीं पर रखते हैं माशाल्लाह टीम ए बराबर टीम बी बराबर अब क्या सेगमेंट और करने चाहिए या नहीं नहीं चले एक कॉल लेने पहले फिर देखिए जी, जी।
मैं हूँ मोहम्मद दानियल तारी कराची से। मेरे प्यारे प्यारे एहसान भाई, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी आवाज में आपने माशाल्लाह कलाम सुना। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए, आमीन। अब क्या किया जाए? खत्म किया जाए, खत्म कर दिया जाए जी। हमारे गारे साहब कह रहे कलाम सुना जाए, लेकिन हम सुनते दुआ, ठीक है? अगर कलाम हसनैन भाई से अगर सुनने तो हसनैन भाई आप सुना देंगे ना सैनिक, अगर मदीने के मुतालिक कलाम हो जाए। वैसे हाजियों के काफिले बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मदीने काफ़िले जाते मदीने में मदीने का फिर जाते हैं।